देश में लॉकडाउन के बाद मजदूरों का जबरदस्त पलायन दिखा। जहां सड़कों के रास्ते से हो या फिर रेल की पटरियों पर, लोग हर रास्ते से जाते दिखे। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो शायद द्वापर युग के बाद की ही है, जब एक वासुदेव कृष्ण को बचाने यमुना पार कर गए थे। एक अब लोग हैं जो अपने गृहराज्य जाने के लिए यमुना पैदल पार कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर और यूपी के बागपत में गांव वापस जाने के लिए सैकड़ों मजदूर जान जोखिम में डालकर यमुना नदी पार कर रहे हैं। घर लौटने की चाहत मजदूरों की क्या होती है, ये आप ऐसे समझिए। हरियाणा के यमुनानगर में सैकड़ों की संख्या में मजदूर अपना सामान सिर पर रखकर यमुना नदी के रास्ते पलायन करने पर मजबूर। इन मजदूरों के साथ महिलाएं और बच्चे भी हैं। कुछ मजदूर साइकिल हाथ में उठाकर यमुना नदी को पार कर रहे हैं। नदी पार करते समय मजदूरों की जान भी जा सकती है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना ये इसे पार कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि ज्यादातर मजदूर बिहार के हैं। हरियाणा के यमुनानगर से बिहार का रास्ता करीब 1400 किलोमीटर का है। ये सोचना कितना असंभव लगता है कि इस लंबे रास्ते को पैदल या साइकिल से तय किया जा सकता है, लेकिन इन मजदूरों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। भूखे प्यासे इन मजदूरों के पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। लॉकडाउन का डर ऐसा है कि अब लोग हर हाल में घर वापस लौट जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो इंतजार करें, चाहे रास्ता कोई भी हो, बस मंजिल उन्हें उनका घर ही दिख रहा है और हर हाल में घर पहुंच जाए बस।